तो हम लोग बाजपट्टी से आ रहे हैं, तो वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग बहुत जगह आवागमन में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। और हम लोग आज़ाद चौक से अभी तक पैदल ही आ रहे हैं। कल 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम करना है, अगर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर मेरा एग्जाम नहीं हो पाएगा। सारी पार्टियां बस राजनीति कर रही है और अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रही है। मतलब यही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो किसान के लिए बहुत सारी कुछ किया है, यहाँ तक 6000 साल में रुपया भी दे रही है और 2 रुपये गेहूँ 3 रुपये चावल भी मिल रहा है। अगर वहाँ पर किसान को अगर 10 रुपये किलो चावल और 20 रुपये किलो गेहूँ हो जाए तो फिर तो अब किसान का जो प्राइस है अनाज का वो तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। वही मुकेश यादव बाजपट्टी से प्रत्याशी हैं, उनको जाने के लिए छोड़ दिया गया है जो कि वो विधायक बन गए हुए हैं। और हम लोग के काम पब्लिक हैं, एक सताए हुए मजलूम आदमी है, तो हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग अपने लाइफ के लिए पटना जा रहे हैं, अगर हो गया तो हम लोग बिहार पुलिस बन जाएंगे और उसके लिए हम लोग को अभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम देखें मुश्किल से 5 या 10 वो टोपी लगा के, कोई रालोसपा का है, कोई माकपा का है, कोई भाकपा का है, कोई तेदेपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, उन लोगों से अपनी सरकार अपनी राज्य तो संभल नहीं पा रही और बिहार में आकर वो लोग हंगामा कर रहे हैं। नाम है कृष्ण कुमार पाठक। कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। पटना क्या करने जा रहे हैं? हम लोग का कल पीटी है बिहार पुलिस का, हम लोग पीटी निकाले हुए हैं और कल 7 बजे रिपोर्टिंग में रहेगा धनीबाग राजेंद्र सिंह हाई स्कूल में। तो हम लोग बाजपट्टी से आ रहे हैं, तो वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग बहुत जगह आवागमन में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। और हम लोग आज़ाद चौक से अभी तक पैदल ही आ रहे हैं। कल 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम करना है, अगर हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और ये जो आए दिन ये किसान लोग के लिए धरना होता है, ये सब तो सब टोटल चीज़ का राजनीतिकरण हो गया और कुछ नहीं है। सारी पार्टियां बस राजनीति कर रही है और अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रही है। बिहार में या महाराष्ट्र में या पंजाब में जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना रोटी सेकने का कार्य कर रही है और कुछ इससे कुछ होने वाला है नहीं। किसान को इससे कुछ भला भी नहीं होगा। मतलब यही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो किसान के लिए बहुत सारी कुछ किया है, यहाँ तक 6000 साल में रुपया भी दे रही और 2 रुपये गेहूँ 3 रुपये चावल भी मिल रहा है। अगर वहाँ पे किसान को अगर 10 रुपये किलो चावल और 20 रुपये किलो गेहूँ हो जाए तो फिर तो अब किसान का जो प्राइस है अनाज का वो तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं। वहाँ पर आपको सहूलियत मिल रही है तो फिर किसान का MSP कैसे बढ़ेगा? आपका उत्पादन कम हो रहा है और MSP आप ज़्यादा के लिए चिल्ला रहे हैं। पहले आप उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादकता आपका कम है। जो पंजाब कहीं ना कहीं पहले सबसे टॉप का उत्पादक राज्य हुआ करता था, धनी राज्य था, वो अब बहुत पीछे चला गया है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये सब बहुत आगे चली गई है केवल राजनीति के कारण। और हम तो भी देख रहे हैं टेलीविज़न और न्यूज़ चैनलों पर, आप लोग के जैसे न्यूज़ चैनल पर देख पा रहे हैं कि जितने भी पुरस्कार लोगों को मिला हुआ है, पद्म विभूषण, वो सारे पुरस्कार लोग लौटा रहे हैं ये किसान आंदोलन के नाम पर। चाहे हॉकी के मशहूर खिलाड़ी प्रगट सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, ये ऐसा सम्मान है जो हर आदमी पाना चाहता है, लेकिन सरकार बहुत उन लोगों को देती है जो उन किसके लायक हैं। लेकिन ये लोग अभी के डेट में किसान आंदोलन के नाम पे अब उस पुरस्कार को लौटा के खुद न खुद अपना ही नहीं इस पुरस्कार का तौहीन कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टियाँ प्रदर्शन कर रही है सपोर्ट, किसानों के सपोर्ट में है, महागठबंधन के प्रत्याशी क्या कहना है? अंदर तो हम महागठबंधन की जो पार्टी तेजस्वी यादव जी ने जो नारा दिया था कि हम 10 लोग नौकरी देंगे, जो हम अगर हम सरकार में आ जाएंगे जीत जाएंगे तो आज वही हम लोगों के लिए। तो अगर नीतीश कुमार ने वैकेंसी निकाला बिहार पुलिस का, हम लोग का कल PET का एग्ज़ाम है 7 बजे और वही पार्टी आज हम लोग को विरोध कर रही है, बस को जाने से रोका जा रहा है। और हम लोग बहुत जगह देखे हैं, बाजपट्टी से हम बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं बाजपट्टी से, न जाने कितने जगह RJD के वही मुकेश यादव बाजपट्टी से प्रत्याशी हैं, उनको जाने के लिए छोड़ दिया गया है जो कि वो विधायक बन गए हुए हैं। और हम लोग के काम पब्लिक हैं, एक सताए हुए मजलूम आदमी है, तो हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग अपने लाइफ के लिए पटना जा रहे हैं, अगर हो गया तो हम लोग बिहार पुलिस बन जाएंगे और उसके लिए हम लोग को अभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये इससे कुछ होने वाला भी नहीं है और इससे नरेंद्र मोदी सरकार चाहे कोई भी सरकार किसान के लिए कितना कुछ कर सकती है। आपका भारत का जनसंख्या पूरे विश्व में 2रे नंबर पर, भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है, 2रे नंबर पर है और इसका जो क्षेत्रफल है 7वें नंबर पर है। बावजूद इसके यहाँ जो किसान की जो समस्या है, केवल नरेंद्र मोदी के समय से ही तो समस्या नहीं हुआ है, समस्या तो सदियों पुराना समस्या है। हमारे यहाँ जमींदारी कानून था, चकबंदी हुआ, हदबंदी हुआ, न जाने कितने सारे, हमारे यहाँ कोई जो कानून भी ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे पैदा कर लो, पैदा करते जा रहे हैं। एक असम ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ तो हम कोई आंदोलन का नहीं सुन पा रहे हैं। असम ने नियम लगाया है कि 1 जनवरी 2021 से जिनको 2 बच्चे से अधिक होंगे उनको हम देंगे नहीं सरकारी नौकरी, तो ऐसे कानून कितने राज्य लगाएंगे? और जहाँ तक पंजाब में है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ लोग कुछ जाते हैं और वो जो सिख लोग हैं वो लोग हमारे ही यूपी बिहार के लोग जाते हैं और वहाँ वर्क करते हैं और उन्हीं लोग के बदौलत जो पंजाब आज संभ्रांत सूबा बना हुआ है।
और फिर भी हमारे यहाँ का जो बिहार का जो लोग है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो आज का जो बंद हुआ है एक हमारे नज़र में और लोगों के नज़र में फ्लॉप साबित होगा। इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव दूरगामी नज़र आने वाला भी नहीं है और ये पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। हम देखें मुश्किल से 5 या 10 वो टोपी लगा के कोई रालोसपा का है, कोई माकपा का है, कोई भाकपा का है, कोई तेदेपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है। उन लोगों से अपनी सरकार अपनी राज्य तो संभाल नहीं पा रही और बिहार में आकर वे लोग हंगामा कर रहे हैं। और कम से कम आप अपने बंगाल को संभालिए ना, आप केजरीवाल हैं तो दिल्ली को संभालिए, दिल्ली की व्यवस्था को सही करिए ना। तो यहाँ पे आके उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टियाँ हैं, उनका क्या हश्र हुआ है, या आगामी जो बिहार विधानसभा जो चुनाव जो हुआ है 2020 वाला, उसमें सारे लोगों को देखने को मिला है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल किसान लोग वोट नहीं किए हैं, सारे लोग वोट किए हैं और मोदी जी के नाम पर वोट किया है, विकास के मुद्दे पर दिया, नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया। ऐसा नहीं कि हम ये सब बोल रहे हैं तो हम बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं या नीतीश कुमार के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हम जो वजूद का जो सही मुद्दा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आएगी कि आपको बिल्डिंग खड़ा कर देगी, आपको 50,000 रुपया गिफ्ट कर देगी, आपको खुद काम करना होगा, खुद कमाना होगा, खुद खाना होगा। लेकिन ये जो हम लोग का जो दैनिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको बाधित नहीं करना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो परिवहन का व्यवस्था है उसको छोड़ देना चाहिए। जो मूलभूत फंडामेंटल जो भी राइट है उसको तो पालन करना चाहिए। ये तो हमारे लोग का कहीं ना कहीं पूरा जो आर्टिकल 21 और 20 का जो उल्लंघन कर रही है हमारे जो आज का जो बंद है। हमारा जो भारत का जो पवित्र दस्तावेज है संविधान, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर जो लोग जान रहे हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन आज के डेट में हमारा वही अधिकार हमसे छीन रहा है। हमारे आर्टिकल 19 का सी में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी जगह हम जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग आवागमन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और वही लोग कल भीमराव अम्बेडकर का जो 6 दिसंबर को परसों श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि 64वां श्रद्धांजलि दिए हैं, जो संविधान के निर्माता है, एक तरफ आप उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसका तोहीन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये विडंबना है हमारे समाज की। और ऐसे लोगों से और ऐसे दलों से हम चाहेंगे कि लोग अलग रहें और बस अपना काम करें। ये किसान आंदोलन जो है ये नाम मात्र का आंदोलन है, इससे कुछ दूरगामी प्रभाव फैलने वाला भी नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए प्रदर्शन लोग करते हैं जिससे आम लोग का जीवन प्रभावित होता है, इस पर सरकार को किस तरह से कदम उठानी चाहिए? सरकार ने तो लगातार 5 दिन तक वार्ता किया है और सरकार कहीं ना कहीं हमारे समझ से तो ऐसा आ रहा है, हमने पेपर भी पढ़ा है, सरकार तो कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ संशोधन करने के प्रयास में भी थी। लेकिन अब इस प्रकार की जो प्रदर्शन हो रही थी इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ सोचने को विवश करना पड़ेगा और सरकार को कहीं फिर से एक नए सिरे से जो संशोधन हमारे समाज के लिए एक अच्छा होता, हितकर होता, फिर वही पुराना ढकोसला। हम एक तरफ बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और एक नया भारत की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारा जो प्रथा है, हमारी जो सभ्यता है, वो वही 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की प्रथा है। तो वो तभी होगा जब हम नया सोचेंगे, नई कल्पना करेंगे, नई उत्साह, नया जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो कानून है, नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून को बदलने का कोशिश किया है, उसमें संशोधन किया है, पूरी तरीके से तो बदला भी नहीं है। लेकिन आप चाहिएगा कि हमारा 21वीं सदी में हम जिए और कानून रहे 20वीं शताब्दी का, तो ये लोग उसी ढटरी पर चलने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ रास्ता खोजते हैं, जगह ढूंढते हैं कि कहां से बीजेपी गलती करे, कहां से नरेंद्र मोदी गलती करे और हमें गाली देने का मौका मिले, गाली देने का अवसर मिले। और वैसे ही उससे वो चाह रहे हैं कि हम लोगों का सहानुभूति बटोर लेंगे, उससे हम वोट बटोर लेंगे। ये कतई संभव नहीं है, चूँकि आपके लोग ऐसे मूर्ख रहे नहीं हैं, सारे लोग शिक्षित हो चुके हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं और सब लोग को मालूम है कि हमें क्या करना है और किनको वोट करना है। ये लोग केवल वोट की राजनीति और कुछ नहीं है।